हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर का बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त ग्रेवी। अगर आप इस तरह से पनीर खाएंगे ना तो बहुत ही आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ रुकिए और हम इस पनीर को कैसे बनाते हैं, हमारे साथ रुकिए और देखिए। तो चैनल पे अभी अभी आप नहीं आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन रेगुलर पहुंच जाएगा आपका फोन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे किचन में पनीर बनाने के लिए। हम पनीर का ग्रेवी बनाएंगे और किस तरह से ग्रेवी अच्छे लगेगा तो हम आप लोग को बताएंगे और करके भी दिखाएंगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, हम गैस ओवन को ऑन किया और गैस के ऊपर हम एक पैन भी बैठाया और इसको गरम करने तक हमें वेट करना पड़ेगा। पनीर को फ्राई करने के लिए कढ़ाई पर हमने तेल छोड़ दिए, तो ज़्यादा तेल इसको फ्राई करने से नहीं लग रहा है क्योंकि पनीर फ्राई होने के टाइम इससे तेल निकलती है, इसलिए ज़्यादा तेल हमने नहीं दिए है। तो तेल गरम हो गया, इस पर पनीर को हम छोड़ देते हैं। हल्के से नमक छिटा देते हैं इस पर, खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। हल्दी का पाउडर छिटा दिया, इसका कलर अच्छे आने के लिए हमने हल्दी पाउडर डाला और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसका कलर जो होंगे वो ब्राउन कलर का होंगे, तो इसके फ्राई होने तक हम वेट करते हैं, फिर मिलते हैं ग्रेवी के मसाला के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी अच्छे होने के लिए, बहुत अच्छे होने के लिए हमने एक बड़ा टमाटर को इस तरह से हमने पेस्ट कर डाला। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है अदरक, अदरक को हमने पेस्ट किए और इसमें जितने परिमाण पनीर है उस परिमाण अनुसार नमक, हल्दी, रेड मिर्च और लाल मिर्च और जीरे हमने डाला। तो ये एक मसाला पेस्ट हमने बना लिए। फ्रेंड्स पनीर तो अब फ्राई हो गए हैं, इसको हम अलग से रख देते हैं। तो अब फ्राई हो गए हैं, इसको हम अलग से रख देते हैं। मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और इस पे हम दे चुके हैं फड़न। हमने इस पर डालेंगे तेज पत्तियाँ और बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वादिष्ट बनने के लिए हम इस पे डाला है 2 कैप्सिकम। 2 कैप्सिकम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर कर काट लिए हैं। इस पर तेल पर इसको तेल पर छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे, फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम हल्के से नमक छिटा देंगे। इसको फ्राई, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कम करके फ्राई करने के लिए कुछ टाइम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हम चुटकी भरे हींग डाल देते हैं, बहुत ही कम डाला है, इसमें बहुत स्वादिष्ट बनते हैं सब्जियाँ। तो हल्के से हमें, तो हल्के से ये कैप्सिकम हमने फ्राई किए हैं और इसके बाद हम डालेंगे, देखिए फ्रेंड, ये है टमाटर पेस्ट, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। टमाटर को जो कच्ची स्मेल होते हैं तो इस तरह से फ्राई करने से वो स्मेल चला जाते हैं, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कैप्सिकम के साथ। अभी तक हमने पानी नहीं डाला, पानी बाद में डालेंगे। तो ये थोड़ी देर से पक चुका है, इसके बाद हम जो मसाला पेस्ट आपको पहले दिखाया है वो इस पर डाल देते हैं। ये सब मसाला एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसमें नारियल को पेस्ट बनाकर दे सकते हैं, चारमागज को अच्छे तरह से पेस्ट बनाकर दे सकते हैं, इससे आपका पनीर का ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो फ्रेंड्स इसका कलर देख के आपको पता ही चलेगा कि ये कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। अच्छी होने के लिए हमने दे दिए है शुगर, शुगर के दाना। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी के बाद हम थोड़े थोड़े करके पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड मत करेंगे क्योंकि ये कैप्सिकम बॉयल हो चुका है। थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा होने के लिए और अच्छी तरह से पकने के लिए हम थोड़ा पानी ऐड करे हैं। इसके बाद हमने ये जो फ्राई हुए अलग से रखे हैं हमने पनीर को, पनीर को टुकड़े को इस ग्रेवी में हम छोड़ देंगे। देखिए कितनी सुंदर दिखने में है, खाने में कैसे होगा पता नहीं चला, तो हम सभी लोग खाकर आपको बताएंगे। ये रोटी के साथ, पराठा के साथ, आलू के पराठे के साथ, पुलाव के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम इसके 5 से 7 मिनट पकाकर छोड़ देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। हम मुलाकात करेंगे आपसे खाने के टाइम। ये वाला पनीर है, पनीर का ग्रेवी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा स्वादिष्ट है। और ये जो ये वाला जो जूस है ना, ये जूस डाटा का जूस है, डाटा है, बैगन है, आलू है, ये जूस अच्छा लगता है। पनीर बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हुआ है, अच्छे लग रहे हैं।